वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रीवा जिले को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। ये फैसला जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। साथ ही आदेश जारी किए गए हैं कि 14 अप्रैल की रात 10 बजे से 25 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला समेत समस्त विधायकगण, सामाजिक संगठन और व्यापारियों ने सहमति जताई है। इस बैठक में रीवा कलेक्टर डॉ. इलिया राजा, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, SP राकेश सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सुबह से रोजाना कर्फ्यू 23 तक लगाए और सैटरडे संडे को यहाँ पर प्रदेश स्तरीय जो बंद रहता है कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यहाँ पर जिला आपदा प्रबंधन समिति ने 23 तक का फैसला किया कोरोना कर्फ्यू, सारी व्यवस्थाएं की गई उसमें कोरोना कर्फ्यू के भीतर बाइक जाने से वो आपको मिल जाएगा। क्या क्या हमने छूट देकर रखा है, ट्रेन से आने वालों को, पैसेंजर्स को आने वालों को, तमाम दूध की सप्लाई का, ठेला की सप्लाई का, वो सारा का सारा व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से जिला प्रशासन को अर्पित किया गया है। इस संबंध में वो देख लें और क्या सहूलियत दे सकते हैं और क्या सुविधा दे सकते हैं, ये पूरा जिला प्रशासन लॉकडाउन नहीं किया, कोरोना कर्फ्यू लगा 23 तक के लिए, 23 तक जिला स्तर से 23 तक के लिए कोरोना कर्फ्यू।